हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन ठाकुर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंटी ब्लॉग्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एंटी ब्लॉग्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं इस टाइम हूँ तिरुपति में। तो और भाई, बाहर हो रही है बारिश तिरुपति के अंदर। देखिए, आपको दिख रही होगी पीछे हो रही है बारिश मेरे। तो आज मेरी तिरुपति से यहाँ से ट्रेन है चेन्नई के लिए, तो इसलिए 6:30 बजे की ट्रेन है हमारी। तो हम तिरुपति रेलवे स्टेशन से जाएंगे चेन्नई। तो हमारी ट्रेन है, तो चलते हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ से अपनी ट्रेन के अंदर बैठते हैं और चलते चेन्नई। तो भाई, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये हमारी ट्रेन जो हमारे को चेन्नई लेकर जाएगी। तो भाई, मौसम बहुत ठंडा है, बहुत बढ़िया मौसम, बाहर बारिश हो रही है। क्योंकि सब सीटें ले चुके हैं अपनी ट्रेन के अंदर, ये सारी हमारी सीटें हैं। और भाई, चलते हैं इस ट्रेन में बैठ के चेन्नई। सुमन आंटी जी, आज कैसा हुआ हम इतनी भागम भाग में आए? ट्रेन मिल गई हमें, मिलती भी नहीं, भाग जाती जाती है, बारिश में भागे सारे गिरे हुए, मैं मालूम भी नहीं स्टेशन किधर है। हाँ, तो कितनी दिक्कत हुई आज। तो भाई, हमारी ट्रेन ने हमें पहुंचा दिया है चेन्नई और ये हमारा सामान उतर रहा है और सब लोग बाहर आ चुके हैं और कुछ लोग आगे ट्रेन में हैं, वो भी बाहर आने वाले होंगे, तो वो यहाँ पर आएंगे हमारे पास। और तुम्हारा भाई पहुँच चुका है चेन्नई। आई 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 चेन्नई। तो भाई, हम यही क्या होता है, चेन्नई आ चुके, चेन्नई आ गए हम चेन्नई। बोर्ड बेकार हो रहा है, उनको दिखा दो आगे। तो हम आ चुके चेन्नई भाई। ये है चेन्नई का CTL रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारी ट्रेन ने हमें ड्रॉप करा है। तो बाकी लोग हमारे गेरे यहाँ पर उतर चुके हैं, बाकी लोग हमारे सारे जो आगे थे डब्बे के अंदर। तो अब बाहर चलेंगे और अपना ऑटो करेंगे। तो चलते हैं बाहर और ऑटो करते हैं। हाँ, अब हम कहा तिरुपति बालाजी के दर्शन करके अब चेन्नई के स्टेशन पे उतर गए। हमारे साथ 16 मेंबर है, 16 या 15। अब हम बाहर गेट से निकल रहे हैं, सारे एक दूसरे का सामान लेकर चल रहे हैं। और अब अच्छा लग रहा है हमको सबके साथ के में चलना फिरना। अब हमारी यात्रा यहाँ तक अच्छी गुजरी है, आगे भी अच्छी हो गुरु की कृपा से। हमारे इसके हेड जो है वो राहुल शर्मा हमारे साथ चल रहे हैं, वही हमारे हेड है, वो सबको लेकर हमारे साथ चल रहे हैं, वही सब जगह की यात्रा करा रहे हैं। तो भाई, हम आ चुके हैं चेन्नई के CTL रेलवे स्टेशन पे। और भाई, इतनी जोर की बारिश है। ये देखो भाई, ये है चेन्नई का CTL रेलवे स्टेशन के बाहर का एरिया। और यहाँ पर इस टाइम हो रही है बहुत तेज बारिश। और ये इधर है रेलवे स्टेशन, ये वाला रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस गेट। और बाहर हो रही है भाई मौसम, अल्टीमेट मौसम हो रहा है भाई, ऑसम हो रहा है मौसम इस टाइम। और दिन बन गया है भाई पूरा, बारिश ने दिन बना दिया है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। सब कह रहे थे बहुत गर्मी है, बट बिल्कुल गर्मी नहीं है इस टाइम यहाँ पे, उल्टा बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, वेदर एक नंबर का हो रहा है। बट एक प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे घूम पाएंगे कि नहीं घूम पाएंगे बारिश की वजह से, देखो क्या होता है आगे। अभी तो फिलहाल हमें ऑटो करना है और सबसे पहले एक रूम होटल लेना है, होटल के अंदर रूम लेना है। तो सबसे पहले एक ऑटो करते हैं और अपने रूम में चलते हैं। भाई, हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर, हमने अपनी गाड़ी कर ली है यहाँ से। तो भैया हमारे को लेकर जाएंगे होटल और हमारे को रूम दिलाएंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे रूम्स और हम बैठे आगे। हमारा लगेज हो चुका है लोड गाड़ी के अंदर, तो हमने ये पूरी गाड़ी करी है 15 लोगों के हिसाब से। तो इस गाड़ी के अंदर हम बैठ के जा रहे हैं रूम्स ले देखने। तो भैया हमारी बात हुई है कि तीन रूम हमें दिखाएंगे, तो डबल बेड, 4 बेड और 3 बेड्स के हमें रूम दिखाएंगे, तो उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। वैसे हमारी कोशिश ये रहेगी हम 4 बेड्स के 3 रूम्स लेंगे और उसके एक्स्ट्रा मैट्रेस डलवाने के रूम्स के अंदर इनके 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो जाके होटल्स में बात करते हैं, देखते हैं भाई वो क्या चार्ज ले रहे हैं, पर रूम्स का क्या लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 डेज़ के लिए रूम्स लेने हैं। तो और 3 डेज़ के लिए भैया से हम बात करेंगे, क्योंकि हमें 3 दिन के लिए हमें गाड़ी भी चाहिए होगी घूमने जाने के लिए। तो चलते हैं रूम्स और रूम से। पुष्पा अल्लू अर्जुन, पुष्पा झुकेगा नहीं, हमारे बस वाले भैया बता रहे झुकेगा नहीं। और रजनीकांत कहाँ गए? रजनीकांत क्या कर चेन्नई में आते भाई, पर सबसे पहले खुशी भैया ने कर दी हमें। रजनीकांत का घर बताया 6 किलोमीटर है यहाँ से सिटी के अंदर ही। और अल्लू अर्जुन को पूछा हमने, पर वो तो आंध्र प्रदेश का है, पर भैया ने स्टाइल करके दिखाया अल्लू अर्जुन का। पुष्पा झुकेगा नहीं, ये पुष्पा झुकेगा नहीं फुल फॉर्म में अभी, या पुष्पा राज के, पुष्पा राज झुकेगा नहीं।
तो चेन्नई में हम आए तो काफी अच्छा लग रहा, मौसम भी काफी बढ़िया लग रहा है एकदम। रजनीकांत के कह रहे थे और बारिश के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मौसम इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया लग रहा है मौसम। केजीएफ का ये भाई केजीएफ में वो वाला सीन बता रहे हैं जब वो थाने की बार सीधा गल लेके खड़ा होता है, मैं बहुत बड़ी गन होती है एक ही बार में नहीं कितने वो उड़ा देता है वो, और भैया वाले स्टाइल बता रहे हैं। अरे बोलो हमारे चेन्नई में आ रहा है नाम फ्रांसिस, ये टैक्सी वाला ड्राइवर है, ठीक है। इधर का दो दिन का बारिश है, देख लो बाहर में कितना बारिश देख लो। हम कभी जा रहे जमाल में बीच बगल में होटल में जा रहे हैं, ठीक है। ओ भाई साहब होटल में बैठेंगे, कॉल करता हूँ। भाई साहब चेन्नई में आते ही हमें लग ही रहा था चेन्नई में काफी अच्छा मिलेगा, और इतना भैया भैया ने बताया कि भैया दो दिन बारिश है चेन्नई के अंदर, और भैया जो बता रहे हमारे होटल की लोकेशन वो बता रहे बीच के पास, और अगर बीच के पास होटल की लोकेशन है तो आप समझ ही सकते हो भाई इसका नजारा ही क्या अलग होगा यार। एक तो बारिश पड़ जाए इतनी बढ़िया लग रही है, मतलब बहुत मजा आ गया चेन्नई में। सबसे पहले स्टेप तो भैया ने दिल खुशी कर दिया, तो मिलते हैं अब आपको होटल के अंदर। भाई ये हमारा रूम जो हमने चेन्नई के अंदर लिया है, स्वीट बेड पूरे डबल बेड्स के रूम्स लिए हैं हमने तीन, और पांच पांच लोग हम एक रूम में होंगे। तो ये हमारा चेन्नई का रूम जो कि हमारे को पड़ा है 2000 रुपीज़ पर रूम, तो हमने 6000 रुपये का पर डे के लिए लिया है, 12000 रुपये के लिए हमने दो दिन के लिए रूम लिया है। वैसे ये बहुत कॉस्टली था तो, बट उन्होंने नेगोशिएट करा है तो हमने फिर उसके बाद हमने ये लिया है। तो भाई अपना फ्रेशन अप होते हैं और लोकल साइट सीन के लिए चलते हैं। तो भाई तुम्हारा भाई रूम में आने के बाद तैयार हो चुका है और अब हम जा रहे हैं आज यहाँ पर घूमने बीच पे चेन्नई के अंदर। राहुल भाई चेन्नई के बीच का नाम क्या है अभी बता दें। तो अभी हमारे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या नेम है, तो अभी देखते हैं और चेन्नई में जाते हैं रूम में। तो हम सब जा रहे हैं लिफ्ट के अंदर अब नीचे, और नीचे से करेंगे कोई ऑटो, और ऑटो में जाएंगे हम चेन्नई के बीच पर। तो देखते हैं कौन सा बीच है, बीच में एंजॉय करेंगे, बीच में और नहाएंगे सब कुछ करेंगे, क्योंकि दिल्ली में बीच एडवर्ड जो एडवर्ड बीच का नाम है, जहाँ बीच पे हम जा रहे हैं उस बीच का नाम है एडवर्ड। तो एडवर्ड बीच जाएंगे और वहाँ पे करेंगे बहुत सारे एंजॉय करेंगे, क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा हो रहा है समुद्र में, तो खाने का एक अलग ही मजा है। चलते हम आपको आइए समुद्र में दिखाते हैं क्या क्या है, बड़ा मजा आएगा भाई समुद्र में। समुद्र में वैसे पता है नमकीन नमकीन हो जाता, पर यार अब इतनी दूर आए दिल्ली से तो समुद्र में तो नहाना बनता ही है, बनता ही है। वेदर हो रहा भाई इतना सेक्सी, इतना बढ़िया, बारिश भाई तम 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 तम, अलग ही मजा आने वाला है। तो फन करते हैं समुद्र के अंदर और मिलते हैं आपको बीच पे। तो ऑटो करते हैं, ऑटो में चलते हैं और बीच पे नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए। तो आज हमारे साथ जा रही है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि हमारे साथ कितने लोग जा रहे हैं। टेलीफोन में अम्मा आती है, तो ये सब लोग बीच पे जा रहे हैं और मजा आने वाला है बीच पे। ये सारे जा रहे हैं बीच पे आज, जो सब तैयार है एक से एक बढ़ के, सब बीच पे जा रही है। तो चलो एंजॉय करेंगे बीच पे, मजा आ रहा है। देखो इन्हें कितना मजा आ रहा है, ये सब एक्साइटेड है। तो भाई हम आ गए हैं स्टैंड पे, यहाँ पर ऑटो स्टैंड है ये, तो हम ऑटो वाले से डिस्कस चल रहा है हमारा यहाँ पर कि हम ऑटो वाले से करेंगे भाई एल्बर्ट बीच जाने के लिए बात चल रही है। तो भाई हम ऑटो में बैठ चुके हैं, हमने करे हैं तीन ऑटो भाई, एक ऑटो में चार लोग हैं, एक ऑटो में चार और एक ऑटो में हम लोग पांच उठ बैठे हैं, क्योंकि हम 13 लोग जा रहे हैं, 2 लोग नहीं आए हैं, वो रूम पर हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, वो थक चुके हैं भाई। तो हम 13 ही लोग आए हैं आज बीच पे जो जा रहे हैं हम, तो अब हम जा रहे हैं ऑटो में बैठ के एल्बर्ट एलिस बीच, वहाँ पर घूमेंगे और वहाँ पर बीच पे आएंगे राहुल भाई के भाई मिलने, क्योंकि वो जॉब से वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं और अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चे के साथ, तो वो सब मिलने आएंगे आज उनसे, हम मिलेंगे वहाँ पे और एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो चलते हैं एल्बर्ट एलिस बीच। तो भाई हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो आपको दिख रहा हो तो बीच है लेफ्ट हैंड साइड, बट हम इस वाले बीच पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं थोड़ा सा दूर हमारे होटल से जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो भाई हम आ चुके हैं बीच पे एल्बर्ट एलिस बीच पर और हम जा रहे हैं समुद्र के पास, वहाँ पर हमारे ऑटो वाले ने वहाँ पीछे हमें ड्रॉप कर दिया है और वहाँ पर बीच है, तो हम बीच पे जा रहे हैं दोनों भाई, बाकी हमने लोगों को छोड़ दिया पीछे। मजा आ रहा भाई,
क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया एकदम, अंधेरा हो जाएगा फिर फोटो वीडियोस में प्रॉब्लम आती है। देखिए कबूतर उड़ाता हुआ, तो हमने छोड़ दिया। और ये आपको दिखा रहे हम समुद्र सामने, ये बीच है यहाँ का, ये पूरा एरिया बीच का। और ये इधर, ये मेन इसका अगर आप गूगल करेंगे तो यही फ़ोटो गूगल पे आएगी अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे अल्बर्ट एलिस बीच पे। और ये मनीष आगे जाता हुआ, और ये पूरा बीच इधर, ये मनीष कुत्ते से खेल रहा है भाई। मेरा यार कोई दोस्त बन जाता कहीं से यहाँ पे, देखो ये भी दोस्त बन गया, ये देखो अच्छा लगता है। भाई आ चुके हैं हम बीच पे, और ये देखे भाई बीच पे लोग एंजॉय करते हुए, और भाई बना रहे हैं यहाँ पे दिल। भाई भाई का दिल मिट गया है, इधर फोटो खिंचवा रहे हैं दिल बनाते हुए भाई, और यहाँ पे लोग एंजॉय करते हुए अपनी फोटोज वीडियोस बनाते हुए। तो भाई तुम्हारा भाई पहुँच चुका है बीच पर, और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं लोग, सब फन कर रहे हैं भाई। और इतनी अच्छी हवा चल रही है इधर बीच के पास, एकदम वेव्स ऐसे आ रही हैं भाई, बिल्कुल भाई बना रहे हैं उधर दिल, आपको दिख रहा होगा। और वो वेव्स से वेव्स आएगी देखना, उनका दिल मिट जाएगा। ये आई वेव्स, ये भाई का गया दिल पानी के अंदर। और ये आपको बीच पीछे दिख रहा है पूरा अल्बर्ट एलिस बीच। कहाँ गए हम? गोवा। ये गोवा वाली फील ले रहे हैं हम यहाँ पे सारे, ये सारे गोवा की फील ले रहे हैं। असल में गोवा नहीं है, ये है चेन्नई, बट हम फील क्या ले रहे हैं गोवा वाली। ये नाचो एक बार। ये भाई सब हो गए जवान, यहाँ आती समुद्र को देखते ही सब हो गई 18 साल की। ये पप्पी पुच्चिया, ये देखो ये आपस में ही काम चल रहा है यहाँ पर सबका। ये देखो भाई साहब, ये भाई मजे चल रहे हैं यहाँ पे फुल ऑन, इंजॉय कर रहे हम यहाँ पे बीच पे। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारे से मिलने अल्बर्ट बीच के ऊपर हमारे राहुल भाई के भाई और भाभी मिलने आ रहे हैं। तो ये है राहुल भाई के भाई, और ये है भाभी, और ये इनका बेटा देविक। हाय देविक, हाय भाभी, हाय गोविंदा, से गोविंदा देविक, से गोविंदा, हाय हाय। तो ये है देविक, ये है देविक हरित, ये तो भाई देविक ने करा है। तो भाई ये है भाभी, और सब मजे कर रहे हैं देविक के साथ, एंजॉय कर रहे हैं बीच के ऊपर। और अभी अन्नू भाई थोड़ा सा बिजी है, फोन पे बात कर रहे हैं, दिल्ली पे कॉल लगा रखे उन्होंने अपने पापा को, तो वो दिखा रहे हैं वीडियो कॉल पे बात करते हुए। और देविक मजे कर रहा है और एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके बाद चलते हैं और खाते हैं। देखो भाई ये है समुद्री मछली जो अभी भैया पकड़ के लाए, ये देखो भाई, और ये उनका जाल, और ये भैया पकड़ के लाए मछली अंदर से, ये इनका काम है भाई, यहाँ से रोजगार है, यहाँ पर समुद्र के पास रोजगार होता है यही मछली पकड़ने का। आ चुके हैं और हम तैयार हो चुके हैं समुद्र के अंदर, बहुत बढ़िया लगा भाई, मज़ा आ गया। और अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पर, बहुत धिम धिम बारिश चल रही है यहाँ पे इस टाइम भी। और बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया अल्बर्ट बीच, मज़ा बांध दिया भाई, मूड एकदम फ्रेश हो गया, बिल्कुल फ्रेश। अब हम यहाँ से चलेंगे, बाकी यहाँ पे झूले भी लगे हुए, ये देखो भाई इधर झूले लगे हुए इस साइड, अब बाकी यहाँ से चलते हैं। देखो अब कहाँ जाते हैं राहुल भाई बताएंगे, तो आगे चलते हैं और जगह घूमने। हाय, तो भाई अब हम आ गए हैं हाउस ऑफ चार्ट पे, मौसम का ये हो रही है इधर बारिश, और मौसम का आनंद लेने के लिए और मौसम का मज़ा लेने के लिए आ गए हम हाउस चार्ट के अंदर। और ये हमारे लोग अंदर आ चुके हैं, और इधर चल रहा है डिस्कशन, और ये इधर सब खड़े हैं, यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं अपने खाने का, फूड का। बारिश में मज़ा ही अलग है, तो हमने ऑर्डर करे हैं समोसे और कचौड़ी और पाव भाजी। और यहाँ पे इधर देविक और भाभी बात कर रहे हैं, और मनीष हेलो कर दो, हेलो जल्दी करो, हेलो ऐसे करो भाई। ये पापा का दीवाना, और ये पापा पापा और बेटे का प्यार अलग ही चल रहा है यहाँ पे। तो भाई अपना ये हाउस ऑफ चार्ट अंदर से ऐसा इंटीरियर, पहले नाम इसका करोड़ था, पहले नाम इसका सर दिल्ली चार्ट था, अब इसका कर दिया क्या नाम था इसका, हाउस ऑफ चार्ट, हाउस ऑफ चार्ट, पहले दिल्ली चार्ट करोल बाग चार्ट था पहले, अब हाउस ऑफ चार्ट कर दिया। हाँ तो भाई आ चुका है हमारा ऑर्डर, हमने करी है यहाँ पर चीज पाव भाजी ऑर्डर, और यहाँ पे ये कचौरी, और ये पेरी पेरी फ्राइज, और ये समोसे।
और यहाँ पे सब ले रहे हैं मजे बारिश के। तो खाना स्टार्ट करते हैं इसे। अभी ने बताया ने ब्लॉग में करना क्या होता है, सब एक दूसरे को देख तो लिया अगर एटलीस्ट फोन में सिर्फ चुप देखते रहते हो। ये देखो भाई, हाँ दिल्ली की करोल बाग वालों की। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो स्टार्ट करो इसे खाना। तुम्हारा भाई हाउस ऑफ चार्ट से सीधा आ चुका है अपने रूम में, अपने होटल के अंदर। तो भाई बारिश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बारिश है। तो भाई पूरे भीगते हुए हम पहुँचे होटल में और तुम्हारा भाई फ्रेशन अप हो चुका, अपने कपड़े चेंज कर लिए। तो इसी के साथ भाई इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। गुड नाइट। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।